तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका सिरसा तेज वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र दत्त के साथ मौजूद हूं। सिरसा जिले के अंतिम गांव थेड़ शहीदा में और आज मैं यहां घग्गर नदी को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट करने आ रहा हूं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 दिन से घग्गर नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और उसी को लेकर के जो यहाँ घग्गर के तट पे बसे करीब 70 गाँव में रहने वाले लोगों की भी सांसें अटकी हुई हैं। मैंने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी गांव बुढ़ाबाना की, जहां हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। उसके बाद खैरिका में आपको दिखाया था कि किस तरह से घग्गर का जल स्तर बढ़ा और जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से बनाया गया पुल है वो धस गया। और कुछ घंटों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी गाँव झोड़ नाली की, जहाँ घग्गर नदी का जो है खस्ता हाल पुल था और ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था। अब मैं पहुंच गया हूं, ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये घग्गर नदी नहीं है, ये राजस्थान कैनाल है और ये राजस्थान का इलाका है जहां से घग्गर नदी इस राजस्थान के कैनाल के नीचे से होकर के गुजरती है। यहां साइफन सिस्टम लगा हुआ है। मेरे साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम गाँव के लोग भी मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि हरियाणा का गाँव पड़ता है थेड़ शहीदा, जो रानिया ब्लॉक का गांव है और ये अंतिम गांव कहा जा सकता है। चूँकि जहां अब हम मौजूद हैं वो राजस्थान की जगह है, सिंचाई विभाग हरियाणा के अधिकारी भी यहां मौजूद है। चूँकि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, घग्गर नदी जहां ये साइफन जहां से शुरू होता है वहां पिछले लंबे समय से जो है झाड़ झंखाड़ उसमें उगा हुआ था और जलकुंभी है वो उगी हुई थी। आज सिंचाई विभाग हरियाणा ने इस जलकुंभी को निकालने के लिए दो बड़ी जो मशीनें हैं वो यहाँ लगाई हुई हैं और चूंकि अगर ये मशीनें अपना सही काम करती हैं तो ये साइफन के माध्यम से पूरा पानी है वो राजस्थान को जा रहा है घग्गर नदी का। राजस्थान कैनाल में भी घग्गर नदी का जो राजस्थान कैनाल है उसमें भी बारिश का पानी है वो लगातार चल रहा है। काफ़ी किसानों की समस्याएँ थी, किसानों का बार बार कहना था कि आप यहाँ आइए और हमें लोगों को दिखाइए, खास करके प्रशासन को दिखाइए, हरियाणा और सरकार, चूँकि दो राज्यों का ये मामला है। जहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजस्थान कैनाल है, घग्गर नदी है, सिंचाई विभाग ने देर से ही सही लेकिन दो मशीनें यहाँ चला दी हैं, शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर के जो यहाँ जो जलकुंभी जो लंबे समय से इस इलाके में इस एरिया में उगी हुई थी तो वो उन्होंने जो है उसको साफ़ करने का जो काम शुरू कर दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये घग्गर नदी है। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान कैनाल की तस्वीरें दिखाई थी, ये घग्गर नदी है जहाँ से सिंचाई विभाग हरियाणा के जो अधिकारी हैं यहाँ लगे हुए हैं, उनकी दो मशीनें हैं जो बड़ी मशीनें हैं इस जलकुंभी को निकाल रही है और ये जो पानी है इसी साइफन के माध्यम से राजस्थान कैनाल के नीचे से होता हुआ आगे राजस्थान में जा रहा है। सिंचाई विभाग हरियाणा के अधिकारियों का मानना है क्योंकि जलकुंभी की वजह से जो पानी है उसका जो टकराव हो रहा है और पीछे से जो है पानी है वो उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये पानी इकट्ठा हो करके कोई तटबंध ना तोड़ दे या कहीं बाढ़ का खतरा ना हो, इसलिए आज उसकी सफाई है वो शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि वो लंबे समय से सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ये बात कहते आ रहे हैं कि यहाँ सफाई करवा दीजिए, यहाँ सफाई करवा दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी है वो सफाई नहीं करवा रहे हैं और उसी को लेकर के जो लगातार जो यहाँ के किसान हैं कि तटबंध कमज़ोर हैं। और ये राजस्थान कैनाल आपको दिखा रहा हूँ जिसमें एक बिल्कुल संकरा एक पुल बना हुआ है जिसमें वाहन नहीं गुजर सकता, सिर्फ बाइक गुजर सकता है और व्यक्ति जो है पैदल आ सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल के मैं दिखाऊंगा आपको घग्गर नदी की तस्वीरें। घग्गर नदी है जो साइफन के नीचे से होकर के पूरा पानी है वो दूसरी तरफ जा रहा है। यहाँ हरियाणा की मशीनें लगी हुई हैं और दूसरा एक और स्पॉट है जो भी घग्गर नदी की है, वो दूसरी धार है घग्गर नदी की, जहाँ भी साइफन लगा हुआ है वहाँ राजस्थान की मशीनें हैं वो काम कर रही है। एक स्पॉट पे राजस्थान की मशीनें हैं तो दूसरे स्पॉट पे हरियाणा की मशीनें इस जलकुंभी को निकालने का काम कर रही है ताकि घग्गर नदी का पानी है वो राजस्थान में जा सके, चूँकि हरियाणा को इस घग्गर नदी के पानी से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव थेड़ शहीदा के जो टेल कहा जा सकता है, राजस्थान का ये इलाका है जहां से घग्गर नदी है साइफन के माध्यम से राजस्थान कैनाल को पार करती है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गांव थेड़ शहीदा के किसान हैं हरप्रीत सिंह,
हम इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा का सिंचाई विभाग है, वहाँ मशीनें लगा रखी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जलकुंभी है वो उखाड़ी जा रही है और घग्गर नदी से जो है सिरसा ज़िले को बाढ़ का खतरा बराबर बना हुआ है। हरप्रीत जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ, इससे पहले किस तरीके की व्यवस्था? सर, पहले कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बार बार अवगत करवाने के बाद में भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे एक्सन साहब हैं, इनके भोला साहब हैं, उनको भी हमने बार बार अवगत कराया, उन्होंने बोला कि हमें व्हाट्सएप पे मतलब आप इसकी वीडियो भेजो, तो हमने वीडियो भेजी इनकी यहाँ की सर, तो उन्होंने लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर फ्लड कंट्रोल का हमें नंबर दिया गया सिरसा का सर, उस पर भी हमने कॉल करी सर, लेकिन हमारी वहाँ पे पहले तो उन्होंने कॉल उठाई, उसके बाद में उन्होंने हमें सिर्फ एक्सन साहब का नंबर दे दिया, उसके बाद में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो कॉल भी नहीं उठाते। और जो राजस्थान के अधिकारी हैं सर, जैसे ये राजस्थान में पड़ता है एरिया, तो उनको बोला गया तो वो तो सर सुनवाई नहीं करते हैं। और एक अधिकारी ने तो हमें यहाँ तक बोला कि हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि ये साइफन है कहाँ पर, क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ता है एरिया सर, यहाँ सुनवाई नहीं है। जैसे पीछे आप देख सकते हैं कि फसलों का भी नुकसान काफ़ी हो रहा है सर, अब जब मतलब नाक तक स्थिति बनी है पानी की, तो सर ये अधिकारी गण सारे क्या स्थिति लगती है इस घग्गर नदी के पानी से, किसानों की जो फसलें वो डूब सकती हैं? बिल्कुल डूब सकती हैं सर, अगर अभी आधा फुट या एक फुट पानी और चढ़ता है तो सर फसलों का पूरा नुकसान होने का चांस है सर। तो ये जलकुंभी निकाली जा रही है, फसलें बच जाएंगी अब तो? सर जलकुंभी निकाली जा रही है, लेकिन सर इनको बड़ी पोकलेन मशीन चाहिए यहाँ पे, जैसे ये अभी छोटी है सर, तो ये पूरा मतलब काम नहीं कर पा रही है, इनको बड़ी चाहिए सर, जैसे मशीनें वो राजस्थान वालों के पास में है, तो इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है सही। और सर जैसे दूसरों को मतलब यहाँ के लोगों को या किसानों को सर ये बता देते हैं कि वो नहीं सुन रहे हमारी, वो नहीं सुन रहे हैं, बस ऐसे एक दूसरे। राजस्थान के अधिकारी भी लगे हुए हैं, वो भी निकाल रहे हैं सर, एक अधिकारी है यहाँ पे, वो भी काम कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं, लेकिन सर इतना नहीं है, बस वो लिपा पोची वाला काम ही है सर, और उससे ज्यादा कुछ। 2010 में यहाँ जब बाढ़ आई थी तो यहाँ की सड़कें सारी ध्वस्त हो गई, सड़कें टूट गई थी, फसलों को नुकसान हुआ था? बिल्कुल सर, सड़कें टूट गई थी, फसलों को नुकसान पूरा हुआ था सर, उस टाइम भी सर इतना कोई सर महकमा जो भी है सर इतना नहीं कर रहा था चहलकदमी। तो अब क्या लगता है कि जो आसपास के कितने कैसे गांव हैं जहां जो फसलों की डूबने की स्थिति बनी हुई है? सर ये आसपास वाले हरियाणा वाले जितने भी गांव हैं सब में फसलों की, जैसे यहां 8-10 गांव तो पूरे ही सर डर के अंदर हैं इसके। नाम कौन कौन से गांव होंगे? थेड़ सीधा वाला गांव है सर, मजल थेड़ है, बणी है, जैसे अगर यहाँ से पानी का कोई नुकसान होता है तो बणी सबसे ज्यादा नुकसान में आता है सर। ठीक है सर, पहले पूरा डूब गया था 2010 जी, डूबा था सर, तो उससे पीछे भी जो गांव है हारनिया वगैरह जो नाली बेल्ट के साथ लगते गांव है, सबको डर है सर इस बात का। तो अब किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है, क्या लगता है सर? अभी तो सर यही है कि ये जलकुंभी निकल जाए और जल्दी से जल्दी सिचुएशन कंट्रोल में आए सर, क्योंकि सर प्रशासन का तो हम जानते हैं कि ठीक है सर, वो लीपापोची करने का काम ही करता है सर, ठीक है आप जरूर कर रहे हैं, जो पानी नाक तक आया है उससे पहले हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मिट्टी वगैरह डाली गई थी पहले भी जो इस पे सर, बांध मिट्टी नहीं डाली सर, इन्होंने सिर्फ ऊपर से उसको मतलब किराए वगैरह लगा के और सर उसको समतल कर दिया, और मिट्टी सर कोई गिनी चुनी ट्रालियां वैसे डाल दी सर, और पूरी ऐसे नहीं है कि ज्यादा मिट्टी डाली है सर। और एक इनकी सर जो मिट्टी डालने की टाइमिंग है वो गलत है सर, ये आए जैसे कनक कट गई उसके बाद में खाली टाइम होता है उस टाइम आए, तो उस टाइम मिट्टी भी अवेलेबल होती है, अब तो मिट्टी भी नहीं है सर कहीं पे, और कोई भी सर किसान अपने खेत से मिट्टी ऐसे उठाने नहीं देगा सर इस टाइम पे, और उस टाइम पे किसान चाहते हैं उस टाइम पे आए तो उस टाइम मिट्टी भी अवेलेबल होगी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि मेरे साथ गांव थेड़ शहीदा के अलावा कुछ और गांव के लोग भी हैं, और इन किसानों को जैसा कि जिला प्रशासन मान रहा है कि उन गांव को बचाया जा सके बाढ़ से, क्योंकि लगातार जल स्तर जो है बढ़ रहा है घग्गर नदी का, लेकिन किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इन किसानों का कहना है कि अगर ये जलकुंभी नहीं निकाली गई तो किसानों की करीब एक दर्जन से अधिक गांव है वहां, इन गांव के किसानों की जो है फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती है। मैं कुछ और किसानों से भी चर्चा करूंगा। सर क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी। जी कौन सा गांव आपका? बनी जी। जी तो फसलें डूबने की आशंका है फसलों की? पूरी पूरी है जी। जी तो क्या क्या मांग करते हैं आप? इसकी सफाई की मांग है। सफाई करवाई जाए? हाँ जी। तो पहले हुई है पहले कभी सफाई इसकी? नहीं जी कभी नहीं हुई है। तो पिछली बार भी ये हाल था जी। है? ये खुम्बी सारा पड़े जी। सारा कचरा अभी तक हटाया नहीं है। ये अभी समस्या ये हो रही है। क्या नाम है जी? लखवीर सिंह जी। इसके बांध पे भी इतने दरख्त है, वो उसकी भी सफाई नहीं हो रही है, वो भी ऐसे ही खड़े हैं जी। जो अगर कोई बांध के साथ पानी लग जाए उसको बंद करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हाँ जी यही है हमारी, उसकी सफाई चाहिए। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी रानिया के पूर्ण सिंह वड़ैच, हम इनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि लगातार जब हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे तो तमाम सारे लोग हैं यहाँ एकत्रित हो गए हैं।
अरुण जी क्या लगता है क्या क्या कितना खतरा है फसलों को लेकर के? इस तरह हर जी दस जदों दस नू आई नाली सन दस च उदों भी ये नंगेली प्रशासन की किसी बात नहीं ले किसी उस टाइम बात नहीं ली सारे जिमीदार आपने नके भी आप बदे बड़ा युद्ध करके लोगों दोबारे फसल माड़ी मोटी तैयार की वो हालात होने सरकार ने इदू पिछे वात ही नहीं ली कितों मुठ मिट्टी नहीं कोई ट्राली नहीं पाई हूँ भी जो पानी आ गया कोई आखो इतने आस्तान की मशीन लगी है वो लम्मी लिया एक ना करने वाली है बूटी क्ढन वाली गल बड़ा सरकार नंगेली करते तो सरकार से 2010 में भी जैसे ये बाढ़ प्रभावित इलाका था इस बार भी जैसे पानी आ रहा है गगर में तो आपने मांग करी कभी सफाई वगैरह करने की? ये जी प्रशासन का अही पहलों दो तीन रही दस च भी बड़े बंदे गए इतों भी खलाई करो इनू चाहिए 100-100 फुट नाल धार दे होर जिमीदार नहीं को रोकता जी खलाई करन तो ये तो प्रशासन ने उदों भी बात नहीं ली तो हुण भी बात नहीं ली हुण भी सानू पूरा खतरा होया पिया। बड़ी अफसोस की गल है कि पानी जिहड़ा है वह 10,000 क्यूसक तो थले आ और सारे प्रशासन नू हत्थां पैरां दीआं पै रहीआं और उहदा कारण सिर्फ यह आ कि यह पानी आउण तो पहलां कदी भी नहीं जागे पानी आने तो पहले कभी भी इन्होंने मतलब सफाई की गल नहीं की कभी भी बन से मिट्टी पाने की नहीं गल की जे इन गल करिए अज मिट्टी पई नी बन से 30 साल हो गए 1969 तो बाद कभी भी इस बन से मिट्टी नहीं पई और मेरी भी प्रशासन तो यह मंग आ कि इस नाली की सफाई की जाए और नाली पूरिया ना जाए जिस भी ऑफिसर के टाइम पर कोई भी किसान अगर नाली पूरता है तो उस ऑफिसर से परचा दर्ज होना चाहिए क्योंकि दरिया सारे का साझा है पानी आना बहुत वड्डी गल और बड़ी खुशी की गल है कि दरिया वगदा है इस दरिया की वजह नाल भी जितों दरिया निकलता है मोरनी तो और लास्ट जितों पाकिस्तान तक जाता है इस दरिया फसल होने का कारण ही है कि दरिया की मिट्टी जी सब तो उपजाऊ है। मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं राजस्थान के भी किसान हैं और हम इनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि हरियाणा के किसानों की हालात तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और ये जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि घग्गर नदी से जो ये पानी है वो राजस्थान में जा रहा है इन किसानों की ज़मीनें भी यहाँ इसी इलाके में पड़ती है राजस्थान का ये इलाका है जहाँ इस समय हम मौजूद हैं। सर क्या नाम आपका? दिलीप सिंह राठौर। तो कैसी है फसलें यहाँ किसानों की? फसलें बहुत अच्छी हैं ये पानी एकदम आने से थोड़ा भय हो गया पर अब पानी कंट्रोल में है मशीनें मिल गई हैं गाँव वाले सब लगे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं। फसलें बर्बाद तो नहीं हुई आपकी? अभी तक कोई फसल बर्बाद नहीं हुई आज पानी रुक जाता है तो फसलें बच जाएंगी। अगर पानी नहीं रुकता है तो? नहीं रुकता है तो फसलें जो बेड में हैं वो खराब हो जाएंगी। आपका क्या नाम है जी? अमर सिंह मेघवाल सर। तो आपकी भी जमीन लगती है यहाँ नदी के सर बाहर बेड से बाहर है जी अच्छी है फसलें अच्छी है नाली में पानी आ रहा है इसमें केड़ी की बजे साफ सफाई नहीं होने के बजाय पानी पड़ रहा है वैसे कोई पानी ज्यादा नहीं है 1988 में 40,000 पानी से निकला था अब यहाँ 10,000 पानी है साफ सफाई के कारण ही पानी बढ़ रहा है पानी की ज्यादा मात्रा नहीं है बाकी बेड के अंदर की जो फसलें हैं वो नुकसान हुई है किसानों को इसका नुकसान है बाहर में बाहर कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजस्थान के उस पॉइंट की जहाँ से घग्गर नदी है साइफन के माध्यम से राजस्थान कैनाल से नीचे होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर रही है। आज यहाँ राजस्थान सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो इस जलकुंभी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो बड़ी मशीनें यहाँ जलकुंभी है निकाल रही है ताकि घग्गर नदी का पूरा पानी है वो राजस्थान में ले जाया जा सके। आप देख रहे हैं कि इस साइफन पॉइंट पे बजरंगबली का मंदिर भी बना हुआ है और जो है झंडा भी यहाँ लगा हुआ है कहीं ना कहीं धार्मिकता को लेकर के लेकिन आज यहाँ किसानों की जो दशा है वो काफ़ी ख़राब है। आपको दिखाना चाहूँगा कि किसानों की जो फसलें हैं खास करके धान की फसल है वो घग्गर नदी में डूब गई है फसलें हैं वो पूरी की पूरी तबाह हो गई है क्योंकि पानी घग्गर नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और किसानों की फसलें हैं ये थेड़ सहिदा गांव की फसल है घग्गर नदी ने जिसको अपनी चपेट में ले लिया है धान की पकी पकाई फसल है वो घग्गर नदी के पानी से तबाह हो गई है। मेरे साथ इस समय थेड़ सहिदा के गाँव के किसान मौजूद हैं हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कितनी फसलों को नुकसान हुआ है क्योंकि लगातार घग्गर नदी में पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि पिछले 2010 में जब बाढ़ आई थी उसके बाद से किसानों का आरोप है कि 2010 के बाद उनको ना तो राजस्थान के सिंचाई विभाग ने संभाला और ना ही हरियाणा के सिंचाई विभाग ने संभाला।
अब फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी है वो जलकुंभियों को निकालने का प्रयास करने लगे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है किसान। सर क्या नाम आपका? चरणजीत सिंह जी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसानों को? सर हमारे को बहुत दिक्कतें हैं। 2010 में बाढ़ आई थी, हम कंटिन्यूजन से मिले हुए हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बॉर्डर एरिया पड़ता है। अब जो जे इतना जे बैंकर जमा होगी, जे ही प्रशासन आज से 2-4 दिन पहले उसी टाइम जे काम करता तो जे इतनी नौबत नहीं आती थी। अब मैं खुद टू हेड पर जाकर आया हूँ, लगभग फिर भी जे जलकुंभी जिसको हम जे केली बोलते हैं लगातार आ रही है। फिर भी अब हम अभी भी यही कह रहे हैं भी और भी प्रशासन अगर अब भी तेज हो जाए, जो आने वाला समय है वो ज़्यादा भयंकर ना हो जाए, कहीं हमारे गांवों को चपेट में ले ले। हमारी फसलें तो तबाह हो ही चुकी हैं, वो तो हम सहन कर लेंगे लेकिन गांव हमारे बच जाए कम से कम। फसलें बर्बाद हो गई हैं, घग्गर नदी के पानी ने चपेट में ले लिया फसलों को। हाँ, घग्गर ने पानी में चपेट में ले लिया है। जो ज़्यादा पकी वो तो बिल्कुल ही नष्ट ही है। दूसरी 10% उम्मीद रखते हैं अगर प्रशासन कुछ कोशिश और ज़्यादा कर। 2015, 2016 और 2018 में मैंने 3 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में लगाया था कि मुसावाला से लेके सूर्यवाला साइफन तक जो घग्गर नदी की खुदाई है उस खुदाई को किया जाए, क्योंकि किसानों के लिए जो एकमात्र सिंचाई का जो साधन है वो घग्गर नदी का पानी है। और मेरे 3 बार क्वेश्चन लगाने के बावजूद विधानसभा क्वेश्चन जो ब्रांच है उस ब्रांच ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और आज जो स्थिति बनी हुई है घग्गर की, ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपने जैसे सुना कि खैरे का जो पुल है वो भी बैठ गया है, तो बड़ी ऐसी ऐसी मतलब समस्या, क्योंकि लगभग 2-4 साल बाद जब पानी एकदम से इतना ज़्यादा पानी आता है तो इन समस्याओं का जो समाधान है वो सरकार का काम बनता है कि उन समस्याओं का वो समाधान करे। मगर सरकार इन चीज़ों का समाधान करने की बजाय सरकार बिल्कुल इस चीज़ के, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लापरवाह दिख रही है, क्योंकि जब हम प्रतिनिधित्व करते हैं इस एरिया का तो मेरी तरफ से 3 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में लगाने की कोशिश की गई। और मैंने एक बार तो मुख्यमंत्री जी से बात भी की कि जो मुसावाला से लेके सूर्यवाला साइफन तक है जो खुदाई है, जो बीच का धार का एरिया है, उसकी अगर खुदाई सही ढंग से हो जाए तो ये बाढ़ जैसी हालात ही ना बनेगी घग्गर की। आज हमने आपको दिखाई घग्गर नदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहां घग्गर नदी साइफन से होती हुई राजस्थान कैनाल को क्रॉस करके राजस्थान में प्रवेश कर रही है और आज यहां हरियाणा व राजस्थान दोनों सिंचाई विभाग के अधिकारी यहां लगे हुए हैं बाढ़ से बचाने के लिए सिरसा को। और यहां के किसानों का कहना है कि करीब 15 से अधिक गाँव के किसानों की फसलों पर बाढ़ को लेकर के संकट नजर आ रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।